हेलो गाइस, शांति किचन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में किसी के भी घर पे ज़्यादा सामान अवेलेबल नहीं है, तो कम सामानों में आज हम आपको सिखाएंगे कि हम पैनकेक घर पे कैसे बनाएं। और हम पैनकेक में ये केले डालेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये केले ज़्यादा पक गए हैं, और जैसे कि पता है कि ज़्यादा पक जाते हैं केले तो घर में कोई खाता नहीं है, और हम तो आज हम इन केलों से पैनकेक बनाएंगे केले और आटे का इस्तेमाल करके। तो चलिए पैनकेक बनाना स्टार्ट करते हैं। हम अपने केलों को छील लेंगे। तो चलिए अब हम ये केले मैश करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए केले हमने मैश कर लिया। अगर आप चाहें तो मिक्सचर जार भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। आप अपने स्वाद अनुसार चीनी डाल सकते हैं। केले खुद भी काफ़ी मीठे होते हैं, तो आप अपनी पसंद से जितना ठीक लगे उतनी डाल लें। अब हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा दही डालेंगे। ये हमने इसमें 2 बड़ी चम्मच दही डाल दिया है। अब इसमें दूध डालेंगे। अब हम इसमें 1 कटोरी आटा डालेंगे। आटा धीरे धीरे करके डालना, मिक्स करते वरना लम्स बन जाएंगे। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे। अब ये हम इलायची पाउडर डाल रहे हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालना। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो ये देखिए अब हमारे बैटर को 5 मिनट हो गए हैं। ये हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी है। तो चलिए अब पैनकेक बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने तवा ले लिया है। अब हम इस पर थोड़ा सा, अब घी को हल्का गर्म होने दें। अब घी हल्का गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे बैटर। तो ये देखिए गाइस, थोड़े थोड़े बुलबुले आने लगे हैं, मतलब कि हमारा पैनकेक पकना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब पलटते हैं इसे। तो ये देखिए गाइस, हमने पलट दिया है पैनकेक, कितना अच्छा कलर आया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। ऐसे ही हम बाकी के पैनकेक तैयार करेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमारे पैनकेक बनकर तैयार हैं। तो अब पैनकेक सर्व करने से पहले इन पे थोड़ा शहद डालकर इन्हें सर्व करें। तो ये देखिए हमारे कितने अच्छे पैनकेक बने हैं। तो इस लॉकडाउन में आप भी बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं ऐसी स्वादिष्ट रेसिपी।
उम्मीद है आपको पसंद आई हो। इस लॉकडाउन में आप अपने घर की चीज़ों से इतनी अच्छी रेसिपी बना सकते हैं, तो बनाएं, खाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी।